दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबाइए, और उसके साथ वो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। हेलो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है डोमिनिकन डोमिनेटर विक्टर मार्टिनेज के ऊपर। सो बात करते हैं आज विक्टर मार्टिनेज के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी ट्रेनिंग, उनका न्यूट्रिशन, उनका बॉडी बिल्डिंग करियर, और कैसे विक्टर मार्टिनेज एक स्मॉल टाउन किड से एक आईएफबीबी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बने और मिस्टर ओलंपिया में सेकेंड प्लेसिंग तक आ चुके थे। सो बात करते हैं उनके करियर के बारे में। सो कुछ एथलेटिक स्टैटिस्टिक्स में आपको उनके बारे में बता देता हूँ। जब विक्टर मार्टिनेज कम्पीट किया करते थे तो उनका वेट था 255 पाउंड्स से लेके 265 पाउंड्स, जो इक्विवेलेंट है 105 किलोग्राम्स और 120 किलोग्राम्स। उनकी हाइट थी 5'9". उनके आर्म्स की साइज़ थी 20 इंच, उनकी कैप्स की साइज़ थी 19.5 इंच। सो नेशनलिटी से एक डोमिनिकन है और प्रोफेशन से ये एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। इनका एरा स्टार्ट हुआ था 1990 में, कंटिन्यूड रहा 2000 में, 2010 में, और अभी भी इनका एरा कंटिन्यूड है। अभी भी विक्टर मार्टिनेज बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करते हैं और जीतते भी आ रहे हैं। सो विक्टर मार्टिनेज का जन्म हुआ था 29 जुलाई 1973 सैन फ्रांसिस्को में। वहाँ से वो मूव आउट कर गए न्यूयॉर्क में और वहाँ पे उनका बचपन बीता है। सो न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन हाइट्स में उनका ज़्यादातर बचपन बीता है और वहीं पे उन्होंने अपनी स्कूल भी कंप्लीट की है। सो स्कूल में उनको बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलना पसंद था और उनमें से उनके फेवरेट स्पोर्ट्स थे बेसबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल। सो ये तीनों स्पोर्ट्स विक्टर मार्टिनेज अपने बचपन में खेलते आ रहे हैं, और उनका जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था, उनके कोच ने उनको बताया था कि आपका ये नेचर आपको एक दिन बहुत अच्छा प्लेयर बना सकता है। सो अपने हाई स्कूल टीम के लिए उन्होंने फुटबॉल भी खेला है। सो अपने हाई स्कूल के ग्रेजुएशन होने के बाद उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, उन्होंने अपना पूरा फोकस बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल के ऊपर डाल दिया। इसका रीज़न ये था कि उनको बचपन से ही मार्वल के कॉमिक कैरेक्टर्स थे और WWF के जो रेसलर्स थे उनको देख के वो इंस्पायर हुए थे और उनकी तरह उनकी फिजिक बनानी थी, इसलिए वो बॉडी बिल्डिंग को अपना करियर चूज़ कर चुके थे। सो विक्टर को पता था कि कॉम्पीट करने के लिए उनको साइज मेंटेन रखनी पड़ेगी, अपना मसल मास, मैच्योरिटी और कंडीशनिंग को बढ़ाना होगा। सो विक्टर मार्टिनेज ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेला। इस फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जो उन्होंने खेला था, उस कॉम्पिटिशन का नाम था एल्मोस जिम, जो 1993 में एक जिम में, एक लोकल जिम में कॉम्पिटिशन हुआ था, और वहाँ पर विक्टर मार्टिनेज की फर्स्ट प्लेसिंग आई थी। सो फर्स्ट प्लेसिंग आने के बाद विक्टर को काफ़ी रिलीफ मिला और उनको पता चल गया कि हाँ, मैंने जो करियर चूज़ किया है वो एकदम करेक्ट है और मैं इसी को फॉलो करूँगा। सो 1994 में उनको NPC न्यू जर्सी में कम्पीट किया उन्होंने, और वहाँ पे उनकी प्लेसिंग आई थर्ड। सो वहाँ पे उनकी प्लेसिंग थर्ड आने के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने ट्रेनिंग पे डाल दिया, और 1999 में NPC न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन में उन्होंने कम्पीट किया, वहाँ पे उनकी प्लेसिंग आई 27th। सो 27th प्लेसिंग से उनको बहुत शॉक लगा कि जो उनकी कंडीशनिंग है वो अप टू पॉइंट नहीं है और उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो उन्होंने एक गैप लिया बॉडी बिल्डिंग में और अपना ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन को ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। सो 2000 में NPC जूनियर USA वेट कैटेगरी में उन्होंने वापस कम्पीट किया और उन्होंने वो कॉम्पिटिशन जीत लिया। सो विक्टर मार्टिनेज सेकेंड बॉडी बिल्डर है डोमिनिकन रिपब्लिक के जिनको उनका प्रो कार्ड मिल चुका था। सो उस कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद उनको प्रो कार्ड भी मिल गया और उनके दरवाजे खुल गए IFBB के कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करने के लिए। सो 2001 में IFBB नाइट ऑफ चैम्पियंस में उन्होंने कम्पीट किया, वहाँ पे उनकी प्लेसिंग आई 8। सो अगले कुछ सालों तक विक्टर मार्टिनेज ने अपने फिजिक को थोड़ा बैलेंस किया, अपने मसल्स को बैलेंस किया, और उनको जो रिज़ल्ट चाहिए था वो रिज़ल्ट उनको मिला IFBB नाइट ऑफ चैम्पियन 2003 में, जहाँ पे वो जीत गए। उसी साल उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया, उनका फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया था 2003 में, जहाँ पे उनकी प्लेसिंग आई 9th। सो उन्होंने उसी साल वापस IFBB GNC शो ऑफ स्ट्रेंथ में कम्पीट किया था, वहाँ पे वो जीत गए, और अर्नोल्ड क्लासिक में उनकी प्लेसिंग आई 5th। सो विक्टर मार्टिनेज का सबसे सक्सेसफुल करियर हम देखें तो वो है 2007 अर्नोल्ड क्लासिक, जहाँ पे वो जीत गए थे, और 2007 मिस्टर ओलंपिया, जहाँ पे वो जे कटलर के साथ कम्पीट करके सेकेंड आए, यानी कि वो सेकेंड आए और जे कटलर जीत गए थे। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल ओलंपिया था वो, बहुत लोग कहते हैं कि 2007 मिस्टर ओलंपिया विक्टर मार्टिनेज को जीतना चाहिए था,
सबकी अपनी अपनी राय है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या सोचते हैं आप, क्या विक्टर मार्टिनेज 2007 मिस्टर ओलंपिया बन सकते थे। वैसे मैंने उनके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है 2007 ओलंपिया कंट्रोवर्सी के ऊपर, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाइए, आपको 2007 कंट्रोवर्सी की सारी वीडियो मिल जाएगी। सो 2008 में विक्टर मार्टिनेज का एक इंजुरी हुई थी, लंजेस करते वक्त उनका जो पेटिकुलर टेंडन है जो लेग में होता है वो ब्रेक हो गया था और वो 2008 मिस्टर ओलंपिया और अर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट नहीं कर पाए। सो मिस्टर ओलंपिया और उनकी अगर बात करें सबसे बेस्ट प्लेसिंग्स थी तो वो थी 2006 जहाँ पे वो थर्ड आए और 2007 जहाँ पे वो सेकंड आए। सो 2010 से लेकर 2017 तक उन्होंने टोटल 14 कॉम्पिटिशन्स में और कम्पीट किया था। 2011 अर्नोल्ड क्लासिक मैड्रिड वो जीत गए, उसके बाद न्यूयॉर्क प्रो चैम्पियनशिप जो 2 साल के बाद हुआ था उसमें भी वो जीत गए थे। सो 40 साल की ऊपर इनकी उम्र है और इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है, अभी तक ये कम्पीट करते आ रहे हैं और एक टफ कॉम्पिटिटर है मिस्टर ओलंपिया के स्टेज के लिए। हालांकि अगर आप इनकी फिजिक को कंपेयर करें 2007 और अभी के फिजिक को तो काफ़ी ड्रेस्टिक चेंजेस हुए हैं, इनकी मसल मैच्योरिटी थोड़ी कम हो गई है। देखते हैं कि और फ्यूचर क्या इनके लिए होल्ड करता है, क्या मिस्टर ओलंपिया या अर्नोल्ड क्लासिक की वापस जीतते हैं या नहीं। सो पर्सनल लाइफ की बात करें तो विक्टर मार्टिनेज एक फेमस फूड प्रेप बिजनेस ओनर है, एक स्पॉन्सर्ड एथलीट है और सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी है। इनके 2 बेटे हैं जिनका नाम है जेरेड और जस्टिन, इनकी 3 बेटियां हैं जिनका नाम है जेड, विक्टोरिया और विवेन। सो 2011 में विक्टर मार्टिनेज को अरेस्ट किया गया था क्योंकि उनको एक्यूज़ किया गया था कि वो स्टेरॉइड्स को बेचते हैं, और उनका जो 2004 में उनकी जो घर का जो प्रॉब्लम हुआ था यानी कि रेसिडेंट कार्ड उनका एक्सपायर्ड हो गया था वो उन्होंने रिड्यूट नहीं किया था, इसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन 1 साल के बाद उनको वापस पूरी चार्जेस से फ्री किया गया था, उनको छोड़ दिया गया था और यूएसए में रहने की परमिशन दी गई थी। सो अगर आपने जनरेशन आयन फर्स्ट पार्ट अगर देखा होगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि विक्टर मार्टिनेज जेल से उस बाहर आते हैं तो उसमें से उन्होंने कैसे कम्पीट किया और 2012 में कम्पीट किया था। सो विक्टर मार्टिनेज बहुत ही हम्बल नेचर के हैं, अपने फैंस और फॉलोअर्स को हमेशा प्रेस करते हैं, उनको मदद करते हैं। सो बात करते हैं उनकी ट्रेनिंग की। सो विक्टर मार्टिनेज जाने जाते हैं अपने मैसिव वेल प्रपोर्शन और बैलेंस्ड फिजिक के लिए। वो हमेशा ये मानते हैं कि अगर आपका कोई बॉडी पार्ट अंडर डेवलप्ड है तो उनको 3 times a वीक ट्रेन करना चाहिए ताकि आपकी फिजिक इवन हो जाए। अगर आपको कोई मसल साइज में मास ऐड करना है तो आप हेवी ट्रेनिंग कीजिए और रेप रेंज 6-8 रखिए। अगर आपको फैट लूज़ करना है तो विक्टर सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा कार्डियो कीजिए और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ज़्यादा यूज़ कीजिए ताकि आप कम कैलोरीज को कंज्यूम किए। सो अगर आपको विक्टर मार्टिनेज की ट्रेनिंग देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी पूरी ट्रेनिंग स्प्लिट सारे उसके इनके एक्सरसाइजेस को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप जाके चेकआउट कीजिए, आपको सारे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे। बात करते हैं न्यूट्रिशन की। सो न्यूट्रिशन में ऑफ सीजन में विक्टर मार्टिनेज अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल में रखते हैं, यानी कि एकदम मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं। जब कॉन्टेस्ट की बात आती है तब विक्टर मार्टिनेज 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट के हिसाब से अपना प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। सो अगर आपको उनका डाइट प्लान देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने उनका पूरा डाइट प्लान टाइमिंग के साथ वो भी पूरा मेंशन किया है, आप जाके देख सकते हैं उनका डाइट प्लान। सो विक्टर मार्टिनेज अपना मेन इन्फ्लुएंसर मानते हैं अर्नोल्ड स्वाज़ेनेगर को और उनको ही फॉलो करते आ रहे हैं। सो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन विक्टर मार्टिनेज के ऊपर, कैसे उन्होंने अपने जीवन में इतना स्ट्रगल देखा है। उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई थी, उन्होंने अपने 1 साल जेल में बिताए हैं, उनको 2007 में इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सियल ओलंपिया में सेकेंड प्लेस लेना पड़ा, फिर भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, अपने बॉडी बिल्डिंग को कंटिन्यू रखा। और इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं उनको फॉलो कीजिए, एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सो ये थी मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन विक्टर मार्टिनेज के ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको अगर आपको उनकी ट्रेनिंग और उनका न्यूट्रिशन देखना है तो, और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना कि किस बॉडी बिल्डर के ऊपर मैं मुझे वीडियो बनानी चाहिए, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपने हमारी बायोग्राफी सीरीज़ और वर्कआउट और न्यूट्रिशन के वीडियोस नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप जाके वो चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, उसी के साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकन है उसको क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही को फायदा है, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके फ़ोन पीसी टैबलेट पर नोटिफिकेशन आएगी और आप मेरी वीडियो सबसे फर्स्ट देख सकते हैं। सो आई होप लाइक द वीडियो। आई एम अर्शल मुदिराज,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग आउट।